नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, देर से मैं हूं वीरेंद्र कुमार, शेयर बाजार लाइव में सभी का स्वागत है। कल जाते जाते 230 पर रहा, देखें तो कट ही गई 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर, और उसका बाजार पे थोड़ा बहुत दिखा असर। हालांकि वक्त नहीं था सिर्फ एक घंटे में कमाल दिखाने का, क्या पता आज कुछ हो। और साथ ही साथ एफआईएस के आंकड़ों को देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाजार में बढ़ रहा है, रिस्क कम हो रहा है। इंडेक्स पर उनका जो जोर था तेजी का वो दिख रहा है, यानी रेस्ट्रिक्टेड गेन, सीमित दायरे की जो तेजी है वो इस बाजार का इंतजार कर रही है। आइए शुरुआत करते हैं सेशन का लगभग एसजेएक्स निफ्टी के स्तरों के साथ, जो कि करीब 4 अंक ऊपर है, 8798, ऑलमोस्ट दस्तक देता हुआ 8800 के स्तर पे। 8800 की इंपॉर्टेंस बहुत है, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टैटिस्टिक्स वाइज चार्ट की अगर आप देखें, आंकड़े की इंपॉर्टेंस है, और उसी को देखते हुए आज की रणनीति, आज की जी बिजनेस की अप्रोच, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, पहली चीज है एफआईएस के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनको इनसे थोड़ी मजबूती का संकेत मिल रहा है। एफआईएस ने कल इंडेक्स पर भरोसा जताया है, और उनके आंकड़े निफ्टी निफ्टी बैंक को लेकर जो है वो शायद थोड़ी तेजी के हैं। 8600 से 8800 के बीच में कल पुट्स में लगातार बिकवाली, और याद रखिए इन द मनी पुट में बिकवाली होना ये एक संकेत अच्छा है। 86, 80, 87, 10 का जो बेस है वो लगातार मजबूत हो रहा है, और याद रखिए 8800 से 8220 अगर ये पार हुआ तो 8880 की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। निफ्टी बैंक कल अगर आप देखें, इसने जुझारूपन दिखाया, हालांकि कल ये फंस रहा था 19700 के जोन में, लेकिन याद रखिए जिस प्रकार की राइटिंग हुई है 19500 से 19700 में, और जिस प्रकार की राइटिंग बाइंग हुई है 19900 से 20100 के कॉल के बीच में, ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आज 19750 का स्तर पार कर गया तो इसमें कम से कम नहीं तो 400 पॉइंट का स्विंग ड्यू है। तो नजर रखिएगा निफ्टी बैंक पर। आई थिंक सबसे क्रिटिकल इंडेक्स अगर आज के सेशन के लिए कोई है तो वो निफ्टी बैंक। बिल्कुल, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों पर ही नजर रहेगी, और इंटरेस्ट सेंसिटिव जो है वो पूरा ही स्पेस टाइम लाइट में रहेगा। लेकिन क्यूज आज इंटरनेशनल मार्केट से जो मिल रहे हैं उनको फटाफट से समझ लेते हैं। रजत के पास चलते हैं न्यूज रूम। रजत, आज की शुरुआत से पहले मिक्स क्यूज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एशियन मार्केट्स जो हैं वो हरे निशान में हैं, यूएस मार्केट्स में दबाव दिखा है, और कमोडिटीज का हाल देखें तो जो गोल्ड है वहां पर काफी सेलिंग प्रेशर हावी हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या न्यूज फ्लो रहा है जिसकी वजह से ये एक डाइवर्जेंट एक्शन पूरे ही ग्लोबल इक्विटीज में देखा जा रहा है, और ओवरऑल क्या क्यूज मिल रहे हैं आज के लिए? बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स में बढ़त ही एकमात्र ट्रिगर है जो इस समय कमोडिटी मार्केट पे हावी है, और उसके चलते कल इंटरनेशनल मार्केट पे सोने और चांदी की कीमतों पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला। 3% सोने की कीमतें टूट गई, और एशियन मार्केट जब शुरुआत हुई है तो निके पे देखिए एक इजाफा इसलिए देखेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी, येन में कमजोरी निके के लिए पॉजिटिव होती है, उसका इंपैक्ट है। रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है। एसजेएक्स निफ्टी ने अपनी गिरावट को एब्जॉर्ब कर लिया, शुरुआती सत्र में 17 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट थी, उसको एब्जॉर्ब करके हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स पे डॉलर इंडेक्स का बढ़ना वे कर रहा था, और इनफैक्ट तीनों इंडेक्सेस डाउ जोन्स, नैसडेक, एसएनपी 500 लाल निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स में 85 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, दो महीने के उच्चतम स्तर पे है डॉलर अन्य करेंसी, अन्य 6 करेंसीज के मुकाबले। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव ट्रिगर है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कल सोना जो है वो 3% के आसपास टूटा, 2013 के बाद सबसे खराब कारोबारी सत्र था, $1300 एकदम से ब्रीच होता हुआ नजर आया, और 1269 के आसपास की क्लोजिंग थी। आज थोड़े निचले से कवरिंग जरूर है, लेकिन कल स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। आज इंपॉर्टेंट ये है कि व्यापार घाटे के आंकड़े आएंगे, साथ साथ सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आएंगे जो बाजार फोकस में रखेगा, लेकिन क्योंकि करेंसी मार्केट एकदम से एक्टिव हुई है तो उसका इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे और खास तौर पे रुपए की पोजीशंस पे भी देखने को मिल सकता है। यूरोपियन मार्केट्स एकदम से चल पड़े, 1% के आसपास की तेजी यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स पे आती हुई नजर है, और एबीबी यहाँ पर फोकस में था क्योंकि $300 करोड़ के बायबैक को कंपनी ने मंजूरी दी है, उसका कहीं ना कहीं असर एबीबी के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा था। लेकिन आईएमएफ ने जो ग्रोथ अनुमान रखा है भारत का, और इनफैक्ट कल फिच ने ग्रोथ अनुमान घटाया था, लेकिन आईएमएफ मानता है कि जीडीपी अनुमान जो है वो 7.4% से बढ़कर 7.6% रह सकता है। तो ये बड़ी खबर है इंडियन मार्केट्स के लिए, जरूर कर सकती है। बिल्कुल, इनफैक्ट जो आखिर में रजत ने बात की यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी जो अनुमान है उसको इंक्रीज किया है, वही यूएस मार्केट्स के जो यूएस के जो ग्रोथ फोरकास्ट हैं उनको रिड्यूस किया है, और जो दूसरी रिच इकोनॉमीज हैं उनको लेकर भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं आईएमएफ, लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में इंडिया उनको काफी अट्रैक्टिव लग रहा है जिसका जीडीपी अनुमान उन्होंने बढ़ाया। तो ये एक पॉजिटिव खबर है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। लेकिन चलिए, शुक्रिया रजत आपका पूरे ही क्यूज बताने के लिए। तो आज मिक्स्ड क्यूज हैं, लेकिन आईएमएफ की जो खबर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं और राकेश बंसल हैं हमारे साथ। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। अविनाश, गुड मॉर्निंग। पहला कॉमेंट आपका, जो होप्स की जा रही थी उसी के आधार पर कल आरबीआई पॉलिसी के आउटकम्स निकल कर आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि जिन हम अपकमिंग अक्टूबर ट्रिगर्स की बात कर रहे थे उसमें जो पहला ट्रिगर है वो डेफिनेटली मार्केट्स के फेवर में रहा है, और ऐसे में जो ट्रेंड है मार्केट्स का वो यहां से पॉजिटिव रहेगा,
इस सीरीज में अब नेक्स्ट जो लेवल्स हो सकते हैं इंडेक्स पर वो क्या हो सकते हैं जिनको हम अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली, मुझे लग रहा है कि कल का जो रेट कट आया है वो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए पॉजिटिव सरप्राइज था, क्योंकि पहली पॉलिसी में अनुमान नहीं था कि रेट कट पहले पॉलिसी में ही गवर्नर साहब करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियरली जो एक ही डिसअपॉइंटमेंट था वो ये था कि कमेंट्री इतनी डोविश नहीं थी, बट ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने मेंटेन किया है वो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आ गया है, जो काफ़ी रियलिस्टिक है। हमको लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में रेट सेंसिटिव्स और क्लियरली जो यू नो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है वहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और क्लियरली अक्टूबर में हमको लग रहा है कि 8,950-9,000 का लेवल भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार से फ्लोज आएंगे और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली सीजन अभी शुरुआती होगा एक दो हफ्ते में, तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए, तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। राकेश बंसल भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। राकेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राकेश, ये जो पिछले तीन दिन में रिवर्सल हुआ है ऑलमोस्ट, आपने 85-55 की ट्रैजेक्टरी को छुआ, शॉर्ट्स के एक बार के लिए लग रहा था कि वहाँ टारगेट्स पूरे हो गए, आप 50 डेमा के नीचे गए, हमने 50 डेमा को रीगेन किया, हमने 8700 को रीगेन किया, वो दो क्रिटिकल बेंचमार्क्स थे। अभी आप 8760 पे कर क्या रहे हैं? आज सुबह जब आपको फ्लैट मिलेगा बाजार, बिल्कुल आप क्या करेंगे, तेजी खेलेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वीरेंद्र, मार्केट तेजी का है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 8700 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 8785 एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर निफ्टी डिसाइसिवली इसके ऊपर निकलता है तब ऊपर में 8980 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के साथ है, बैंक निफ्टी में नीचे में 19,250 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी अगर डिसाइसिवली 19,720 के ऊपर निकलता है तब ऊपर में 20,080 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं, और वीरेंद्र ने शो की शुरुआत में मेंशन भी किया था कि जो एफआईएस की अप्रोच रही है कल के बाजार में वो पॉजिटिव रही है, और अब ये फीलिंग आ रही है उन स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए कि मार्केट्स यहां से और स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुए हैं वीरेंद्र, क्योंकि कल से पहले जो डेटा था वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं था, कल क्या बदलाव हुए हैं? देखिए दीपाली, पहली बात तो यह है कि कल कैश में बाइंग हुई उनकी तरफ से, आप देखें लगभग 344 करोड़ रुपए की बाइंग का आंकड़ा था। दैट मीन्स इस जोन को उन्होंने एज फार एज स्टॉक्स आर कंसर्न वहाँ पर अपना थोड़ा सा एक्यूमुलेशन बढ़ाया है। DIIs ने भले ही अगर आप देखें करीब 200 करोड़ की बिकवाली करी, लेकिन आप FIIs के अगर आप वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखें तो वो भी काफ़ी आकर्षक रहे, 1263 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से खरीदारी है। तो अगर मैं मान के चलो दोनों ही सेगमेंट्स में लगभग 1600 करोड़ रुपए की खरीदारी रहे FIIs की, लेट्स चेक इंडेक्स फ्यूचर्स, 347 करोड़ रुपए की खरीदारी। FIIs के कॉन्टेक्ट्स का जब एनालिसिस करें आप तो वो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग गए हैं, यानी निफ्टी निफ्टी बैंक में दोनों ऑप्शंस में 925 करोड़ की खरीद है। मैं थोड़ा सा ऑप्शंस आपको देर में समझाऊंगा, इंडेक्स ऑप्शन में 925 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 30 करोड़ की बिकवाली। परसों उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी स्ट्रांग बाइंग की थी, और कल उन्होंने कैश में काफ़ी बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स यानी निफ्टी बैंक और निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में उनकी तरफ से काफ़ी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। अब आइए जरा आप कॉलर पुट के आंकड़ों पर देखिए, जब आप FIIs की कॉन्ट्रैक्ट्स एनालिसिस करेंगे इस शीट को रखिएगा, वो एट द मनी कॉल्स में बायस थे और डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स में सेलर थे। दैट मींस उन्होंने, मुझे लगता है कि बुल स्प्रेड क्रिएट किए हैं यहाँ पर, गेन बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। 8800 की कॉल में 300,000, 8900 की कॉल में 100,000 शेयर घटे, दैट मीन्स कॉल राइटर बैकफुट पे था, और 9000 की कॉल में करीब करीब 3,50,000 शेयर। तो मेरे को लगता है कि वो यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड गेन देख रहे हैं, यानी सीमित दारी की तेजी देख रहे हैं, तो तेजी है। अब आइए आपके बेस पर पुट पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, आप पुट्स को देखें, 8700 की पुट 670, 8600 की पुट 100,000 और 8500 की पुट 2,300,000। यहाँ पे एक गलती होगी, मैं शायद ज़रूर मेंशन करता, वो था 8800 की पुट। आप 8800 की पुट देखिए, कल 8800 का पुट राइटर भी विजिबल था, यू नो, यानी आपने क्या किया, 8800 की पुट बेचा, यू आर सेलिंग इन द मनी पुट, दैट मीन्स यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट मार्केट विल गो अपसाइड, बाजार ऊपर की तरफ ही रहेगा। और आप देखिए ना, 8700 की पुट का और 8600 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाइल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पुट्स में राइटिंग और इन द मनी पुट्स में बेचने का अगर आप देखें, जो एग्जैक्टली पोटेंशियल होता है वो ये कहता है कि आपका बेस जो है ना वो लगातार मजबूती पकड़ रहा है। दैट मीन्स अब 8680, 8690, 8710 का बेस और मजबूत हो रहा है। याद रखिए, चाती के लिए आप देखिए, चाती के लिए जरा प्लीज चार्ट्स पर जाएंगे, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, कल की लोअर शेडो बड़ी थी। चार्ट में जब आप चैनल को देखेंगे, इसका मीन ये होता है कि बाजार नीचे जाने को तैयार नहीं था। 8810 क्रॉस हुआ दीपाली, तो 88
80 की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। रही बात निफ्टी बैंक की, मैं इस पर एक अलर्ट व्यूअर्स को दे देता हूँ प्लीज, इसके स्टेटिस्टिक्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी आर मोर स्ट्रॉन्ग। क्यों? इसमें कल 19,500, 19,600, 19,700 तीन स्ट्राइक्स में 6 लाख शेयर बिके हैं। पुट राइटिंग का क्वांटम देखिए आप, और इसकी तीन स्ट्राइक्स में 19,900, 20,000 और 20,100 की कॉल में 6 लाख शेयर जुड़े हैं। दैट मीन्स अगर ये आज के सेशन में स्पॉट की बात कर रहा हूँ दीपाली में 19,750 क्रॉस कर गया तो 20,50 और 20,100 की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है।